अलवर के थानागाजी में करीब डेढ़ साल पहले हुआ बहुचर्चित गैंगरेप मामले में आज फैसला आएगा। SC ST अत्याचार निवारण प्रकरण वशिष्ठ न्यायालय न्यायाधीश ब्रजेश कुमार शर्मा इस मामले में फैसला सुनाएंगे। मामले के फैसले को लेकर लोगों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद 16 दिन में ही कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। मामले में 4 युवक और 1 नाबालिग शामिल है। इस नाबालिग का ट्रायल अलवर के DJ कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने उसकी बौद्धिक क्षमता व्यस्त जैसी मानी है। साथ ही एक आरोपी दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने का आरोपी है। अलवर के थानागाजी में करीब डेढ़ साल पहले हुए बहुचर्चित गैंगरेप मामले में आज फैसला आएगा। SC ST अत्याचार निवारण प्रकरण वशिष्ठ विशिष्ट न्यायालय न्यायाधीश ब्रजेश कुमार शर्मा इस मामले में फैसला सुनाएंगे। मामले के फैसले को लेकर लोगों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद 16 दिन में ही कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। मामले में 4 युवक और 1 नाबालिग शामिल है। इस नाबालिग का ट्रायल अलवर के DJ कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने उसकी बौद्धिक क्षमता व्यस्त जैसी मानी है। साथ ही एक आरोपी दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने का भी आरोपी है। अप्रैल 2019 में थानागाजी में हुआ ये गैंगरेप जिसका फैसला आज सुनाया जाएगा।